हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल स्टोरी टेक पे। मैं नवीन अग्रवाल हूँ और आपके लिए एक बार फिर से एक नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ, वो है फन विद मैग्नेट। ये एक कार्ड्स हैं जो एनिमल से रिलेटेड है, बड़ी कलरफुल थ्योरी के साथ बना हुआ प्रोडक्ट है, बड़ा सुंदर और अच्छा प्रोडक्ट है और 8 Play with 8 Animals 3 Age+ के लिए है। इसकी रिकमेंडेशन जो कंपनी की तरफ से है और आगे हम देखते हैं इसको किस तरह से बनाया गया है, इसके पीछे क्या है, तो आज इसकी फुल अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले ये इसकी जो पैकिंग है वो मैं देख लेता हूँ। काफ़ी अच्छी और सुंदर पैकिंग है और जिसका MRP है वो ओनली 599 का है, आपको अच्छे रेट पे मिल सकता है। यदि आप इसको बाय करना चाहेंगे उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे इसको इसकी जो पहले का एनवेलप था वो मैंने हटा दिया है, यहाँ पे एक प्लास्टिक दिया गया है, शायद ये बॉक्स बार बार यूज़ होता हो। काफ़ी अच्छे मटेरियल में बना हुआ है, काफ़ी हार्ड मटेरियल में बना हुआ है। इसके अंदर जो हमें दिखाई देता है वो एक तरह से एक बॉक्स है, साथ में ये इस तरह का कुछ आगे का प्लेटफॉर्म है जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। और इस बॉक्स में हमें मिलता है इतना कुछ। फ्रेंड, जैसा आपने देखा कि हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है, अनबॉक्स करने के बाद हमें मिला है इतने सारे ये प्रोडक्ट्स जिसको हम देखते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात है इसकी जो है वो है इसका जो स्टैंड है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये स्टैंड पीछे से बनाया गया है और इस तरह से इसको यहाँ पे रखा जाता है। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। इसमें स्टोरी लर्निंग के लिए ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैग्नेटिक है सारे और यहाँ पे ऐसे आप लगा सकते हैं इसको अलग अलग। आप किसी के लिए, बच्चों के लिए जो स्टोरी बनाने वाले हैं, आप स्टोरी बना सकते हैं। इसमें जो कुछ कार्ड्स दिए गए हैं इस तरह, ये देखिए इसमें 8 Animals के कार्ड हैं, वो मैं आपको एक वन बाई वन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आप इतने सारे कार्ड्स मेरे सामने हैं। जो ये कार्ड्स हैं ये सिर्फ एनिमल्स पे बने हुए हैं, जैसे ये जिराफ है, इस पर बियर है, टाइगर है, हिप्पो है और डियर है, एलिफेंट है, फॉक्स है। ये बच्चों को सिखाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसमें भी कुछ काफ़ी सारा स्टॉक है, वो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। अब इसमें बनेगा क्या, अब आप कहेंगे कि ये कैसे यूज़ होंगे, तो मैं ये एक एक करके यहाँ पे रख देता हूँ ताकि ये और भी खूबसूरत लगेगा। अब मैंने यहाँ पे ये रख दिया, इसके बाद हम उठाते हैं इनको। अब जैसे ये एनिमल्स की स्टोरी पे एक फिट बैठता है, हमारे पास एक चीज़ ये है। अब ये आप देखेंगे कि इसमें कुछ एनिमल्स के पार्ट्स दिए गए हैं। अब जैसे ये एनिमल्स यहाँ पे है, इसका जो टाइगर है। अब ये लॉयन को उठा लेते हैं। ये लॉयन आपको सामने स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, इस लॉयन को इस तरह से बनाया जाएगा। ये आप जैसे देखेंगे, इस लॉयन को मान लो मैंने यहाँ पे इस तरह से लगाया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब लॉयन की जो पिक्स आप दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पे, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे ऐसे ही ये लॉयन बनेगा कंप्लीट। इसके लिए अब ये देखिए इसका जो बेस था पहले, मैंने कुछ ये देखिए इस तरह से यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे इसको आपको बेस को कंप्लीट कर देना है। बच्चा इस तरह से अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकता है। अब इसके पीछे कुछ इन्होंने यहाँ पे मेरे पास मिक्स प्लस ये इसकी कुछ पार्ट्स और भी दिए हैं। ये यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए एक ये मैंने यहाँ से हटा देता हूँ और ये इसको पिक्चर के साथ पीछे कंप्लीट ये इस तरह से लग जाएगा। अब आप पिक्चर में और ये देखिए दोनों कंप्लीट हो गया है, इस तरह से ये बनता है। और मैं एक प्रोडक्ट आपको और भी बना के दिखाता हूँ। ये प्यारा सा एक जिराफ है या फिर ये फॉक्स है, एलिफेंट भी बड़ा प्यारा सा, एलिफेंट को बना के देखते हैं। अब ये एक एलिफेंट है, एलिफेंट की पिक्स मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये देखिए ये एलिफेंट आपके सामने है। इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले मैंने एलिफेंट का फेस लगाया, अब इसके बाद मैं इसका जो बेस है वो लगाता हूँ। ये देखिए अब ये कंप्लीट होता जा रहा है। अब इसके बाद एलिफेंट का आप यहाँ से एक कुछ पार्ट्स है, जैसे इसमें ये भी लगा सकते हैं आप साथ में, जैसे ग्रीनरी कुछ लगा सकते हैं और ये कुछ ऐसा कुछ लगा सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या है, बच्चे को अपनी इमेजिनेशन पे छोड़ दीजिए, वो किस तरह से इसको बनाता है, किस तरह से इसको यूज़ करता है, वो उसकी इमेजिनेशन से रहेगा ये बनेगा किस तरह से। वो आपके सामने है, बड़ा इजी यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है। अब जैसे ये फॉक्स है, हम फॉक्स भी बना के दिखा सकते हैं आपको। अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कट अलग अलग बने हुए हैं, आप इसको हटा के कुछ भी बना सकते हैं। इसके बाद आप ये देखिए पिक्चर में जो बच्चों को आप पिक्चर दिखाएंगे, मान लो बच्चों को मैं ये फॉक्स के पिक्स देता हूँ कि भाई आज आपने ये बनाना है,
तो बच्चा यहाँ पे पिक्स रखेगा, उसके बाद इसको देखेगा, इसके साथ ये जो पार्ट्स हैं, जैसे ये पार्ट्स इसका फॉक्स का मिल गया, तो अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पे लगाएगा, तो वो आपको बना के दिखाएगा कि ये फॉक्स कैसे बना। तो इससे उसकी जो कलर इमेजिनेशन है वो डेवलप हो जाएगी, पिक्चर है इमेजिनेशन है और एनिमल्स के नेम्स हैं, काफ़ी हद तक वो याद भी कर लेगा और काफ़ी फनी और इनोवेटिव प्रोडक्ट है बच्चों के लिए, बच्चा जल्दी से इसको सीख सकता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस मामले में, तो आप ये प्रोडक्ट ज़रूर बाय कीजिए अपने बच्चे के लिए, यदि लिटिल टॉलर्स के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आज मेरे सामने पहली बार ये प्रोडक्ट आया और मैं सच में इसका फ़ैन हो गया हूँ और ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही पसंद आया। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं आपको क्लोजर में दिखाना चाहूँगा किस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है। ये कार्टून करेक्टर बेस्ड मतलब एनिमल्स बेस्ड है और ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई एनिमेशन मूवी हो। अब इसमें इतने सारे जो कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं मैंने वन बाय वन करके लगा दिए हैं। ये एक सिंपल मतलब बोर्ड का कार्ड बना हुआ है और इसके बाद जो ये हैं सारे मैग्नेटिक के पार्ट्स हैं, ये अलग अलग एनिमल से रिलेटेड चीज़ें हैं। कुछ मैंने यूज़ कर रखी हैं जो आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं और कुछ अभी यूज़ होनी पेंडिंग हैं जो मैंने अभी तक नहीं बनाई हैं। आप देखेंगे ये दो प्रोडक्ट बने हुए थे और ये ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और पैसा वसूल प्रोडक्ट है। इतना अच्छा, इतना ज़्यादा मटीरियल है इस बॉक्स के अंदर कि आप सच में खुश हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये पैसा वसूल प्रोडक्ट है। आपको ये अपने टॉडलर्स के लिए ज़रूर बाय करना चाहिए। उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको बाय भी कर सकते हैं। ऐसी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस हम टॉय टैक पे लेके आते रहते हैं और आपको उन प्रोडक्ट्स को बाय करने से पहले वीडियोज़ देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम रिव्यू बताते हैं आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो प्रोडक्ट। आप हमारे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।